हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? बड़े दिनों बाद मिले आज। बड़े दिनों बाद मिले हैं और लगभग 2-3 महीना हो गया है व्लॉग नहीं आए। और व्लॉग का कारण है यार, अभी थोड़ा नौकरी की वजह से सुबह शाम टाइम मिल नहीं पाता है, तो इसी वजह से आज यार कुछ टाइम फ्री था। और हमारे दिल्ली वाले से आपके पहले व्लॉग में भी आपने देखे हैं, नौकरी यूट्यूब में ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तभी नौकरी छोड़ेंगे, करवा नहीं रहे तुम लोग। तो दोस्तों ऐसा है, आज हम जा रहे हैं केची धाम, हमने कहा घूम लेते हैं, इसी बहाने ब्लॉग भी बन जाएगा और ब्लॉग भी बन रहा है डिमांड पे। बहुत सारे लोग जैसे मतलब अपने जान पहचान परिचित वाले भी और रिश्तेदार भी, अच्छा भी लगता है, लोग कह रहे हैं भाई तेरे ब्लॉग नहीं आ रहे, क्या बात तेरे ब्लॉग नहीं आ रहे, तो मेरे को तब लग रहा है कि हाँ लोग देखते हैं। तो इस वजह से आज हम केची जा रहे हैं, आज आपको केची का ब्लॉग बनाते हैं, आपको दिखाते हैं आज नज़ारा केची धाम से, आपको दर्शन कराते हैं भीम गोरेली बाबा। काकड़ी घाट धाम, ये भी एक तरीके से नीम गोरोला बाबा जी का एक ये भी आश्रम था और यहाँ स्वामी विवेकानंद भी आ चुके हैं अपने टाइम पे और काफ़ी ध्यान करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी हमारे यहाँ के साथ साथ हमारे मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर रह चुके हैं और अपना ध्यान के लिए, जैसे कसार देवी हो गया, वहाँ पर एक छोटी सी गुफा है, उसमें भी आप कभी आप नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको, इसमें मेंशन कर रखा मैंने एक इससे पहले मेरा ब्लॉग आया था बहुत पहले। और अभी हम काली घाट से आगे चले गए हैं, यहाँ से हमें बढ़िया हाईवे वाली मक्खन वाली रोड मिल गई सीधी वाली, आप चलते हैं सब ब्लॉग। आज मेरे को नहीं लग रहा भीड़ होगी आज, अभी क्योंकि वो हो रहा है, अभी गाड़ियाँ कम दिख रही ना, तो जाम अंदर जा जाता है। तो हम बहुत चुके केची धाम, अब यहाँ मतलब देखते हैं गाड़ी लगाने की जगह, क्योंकि यहाँ बहुत जाम होता है। कहाँ पे है? ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, तो अभी देखते हैं कहाँ पर हमें जगह मिलती है गाड़ी खरीदने की, उसकी बात करते हैं दर्शन। तो भाई लोग हम केची धाम पहुँच चुके हैं और मंदिर से अंदर अंडर कर लिया हमने, ये केची धाम चलता मंदिर, और अभी दर्शन करते हैं अंदर। तो खैर फोन अलाउड है नहीं अभी, जितना भी होता है फिर भी हम आपके लिए बनाएंगे, जितना होता है हम जहाँ तक भी अलाउड है वहाँ तक बनाते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। चलिए अंदर, फोन नहीं चलता, फोन चला। तो भैया हम आ चुके हैं दर्शन करके और भैया अंदर वैसे भी कैमरा अलाउड नहीं था और हमें बनाते भी फिर अच्छा नहीं लगता, नहीं वैसे भी हमें अंदर पहुंचने के बाद फोन का कोई ध्यान ही नहीं रहा कि वीडियो बनाना है या कुछ करना है, भाई हमारे ध्यान में रह गया था सब कुछ, ध्यान लगाया बढ़िया करके हमने और दर्शन करे। और तो ये था हमारा केची धाम मंदिर, और थोड़ा व्यू दिखाते हैं आपको ऊपर से रोड से, थोड़ा फोटो सेशन हो जाए यहाँ पर, फिर आपको दिखाता थोड़ी देर में। आगे वाला मेरा कंपनी का भी चलता है। हाँ मंदिर वो भी आ गया, पीछे की नदी रहती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फोटो वगैरह खींच के अभी हम चलते हैं अपने गाड़ी के पास, थोड़ा प्रसाद वगैरह लेते हैं ऊपर से। तो ये है जी केची धाम मंदिर, और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, और सैटरडे संडे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, अब सोचो मत, अभी फिर भी कम है भीड़, कम लोग। तो दोस्तों ये था एक केची धाम का छोटा सा ब्लॉग, तो कैसा लगा आपको? और दोस्तों सपोर्ट तो आप करते ही हो, ऐसी सपोर्ट आपका बना रहे, हम भी कोशिश करेंगे ब्लॉग कंटिन्यू आते रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, परिस्थितियों में हो नहीं पाता, तो हो सकता है आने वाला टाइम ऐसा आ जाए जब कंटिन्यू ब्लॉग आए, और हर हफ्ते ब्लॉग आए, फिर देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे, बाय बाय। जय राम मंदिर।